उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी प्रत्येक जिले में पहुंचकर जनता को सरकार की अनेक योजनाएं बताने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बताने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का शहर के कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत जुलूस अगवानपुर से शुरू होकर रामगंगा विहार स्थित बैंकेट हॉल पर जाकर समाप्त हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोशी के साथ उनका अभिवादन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता को पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा काम किया गया। आज पूरे प्रदेश में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है और आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। कई सवालों के जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में गुंडागर्दी अपराध के मुकदमे नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर प्रदेश में सभी व्यक्ति खुशहाल हैं। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी दिखाई दिए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना भी भूल गए। भारी संख्या में लोग एक दूसरे से दूरी बनाना तो दूर, चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। देखिए, 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और युवा मोर्चा गठन भी होना है। योगी जी को लेकर पूरे प्रदेश के नौजवानों में जबरदस्त उत्साह है और उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस बार नौजवानों के साथ हम लोग 350 सीटें जीतने वाले हैं नौजवानों को नेतृत्व में, और एक बहुत बहुमत की सरकार होने वाली है। हर जिले में जाकर नौजवानों को पार्टी से जोड़ना, उसी के नाते पश्चिम में मेरा दौरा है, मुरादाबाद भी उसी वजह से आना हुआ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भीड़ ना जुटाए, भीड़ ना जुटाए, हम देख रहे हैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ सैकड़ों बढ़िया चल रही, भीड़ लगी हुई है, मास्क नहीं है, क्या मैसेज दे रही है भाजपा पूरे देश को? नहीं, मैं तो मास्क लगा रहा हूँ और सब नौजवानों से आग्रह भी कर रहा हूँ मास्क लगाने के लिए। भीड़ की बात, क्या मैसेज दे रही है भाजपा? उत्साह है। अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया था, 15 तारीख तक हर नौजवान लगा हुआ था कि देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, और कोरोना के संबंध में एकमात्र चारा वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उत्साह के कारण लोग निकल रहे हैं, बाकी इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब भाजपा को नहीं पहचानता वायरस, ये लग रहा है कि वायरस भाजपा को नहीं पहचानता। मैंने अपना उत्तर दे दिया। आज इनकम टैक्स की छापे लगे हैं, क्या कहने जी? ख्याति प्राप्त टीवी चैनल और अखबारों के दफ्तरों के छापे लगे हैं आई करके, क्या कहने? निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जैसा होगा निकल के आएगा, मुझे जानकारी नहीं इस विषय की। मीडिया के ऊपर कितना कह सकते हैं कि हमारी सरकार किसी द्वेष भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती।